अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों और उसकी रहमतों का शुक्राना अदा करते हुए अपना किचन ऑफिशियल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, चंगे भले होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आज अपने किचन में अपने प्यारे व्यूअर व्यूवर्स के लिए ये बड़े पाए की बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आए हैं। और वैसे तो ये बड़े पाए एक यानी कुकर में एक घंटा लगता है, 60 मिनट लगते हैं इसको ढलने के लिए। रेसिपी चाहे किसी किस्म की भी या किस तरीके से भी आप यानी बनाएं तो उसमें ये तकरीबन 60 मिनट लगते हैं। तो इसमें बनाने का जो तरीका है तो वो इंतहाई आसान है और बहुत दिलचस्प है। तो वो हम आपसे अब शेयर करेंगे कि हम ये इस किस तरह ये हम ये पाए जो है वो तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें एक बड़े साइज़ की प्याज चाहिए, इसमें 2 टमाटर, एक बहुत बड़ा यानी इतना सा और एक मीडियम साइज, और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 3-4 सब्ज़ मिर्च चाहिए। इसके अलावा जो मसाला जात इसमें हमने इस्तेमाल करने हैं, ये सारा कुछ कुकर में डालते हुए आपसे शेयर करेंगे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो चलिए जी, फ्लेम कर ली हमने ऑन। सबसे पहले ये इसमें हम डालेंगे ये पाए, ये हमने ऐड कर लिए। तो इसमें ये प्याज और टमाटर की जो पेस्ट है वो इस तरह हमने इसमें इस तरह डाल रहे हैं, साथ ही ये 2 टेबलस्पून ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हाफ टी स्पून इसमें ये काली मिर्च हम इसमें डालने हैं, और हाफ टी स्पून इसमें कुटा हुआ गरम मसाला, और इसमें जायफल जावित्री का पाउडर भी इसमें शामिल है, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो हाफ टी स्पून इसमें हम शामिल करेंगे ये सुरख मिर्च पीसी हुई, और हाफ टी स्पून ही इसमें हम ये कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ये पिसा हुआ धनिया, और इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ये हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें हम ये नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून, ठीक है। अब इसमें हमने तकरीबन 5 गिलास पानी ये वाला ये स्टील का ये जो बड़ा है ये 5 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे, और 60 मिनट के लिए इसको जो है हम ढक्कन लगा देंगे इसमें, और 60 मिनट के बाद हमारे बहुत ही टेस्टी पाए घुल के तैयार हो जाएंगे। अब इसमें हमने इसमें घी डालना है। तो ये जो तरकीब मैंने इसमें इस्तेमाल की है चीज़ों की, तो ये कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो एक इसमें हम बाउल जो है इसमें या ये मग जो है इसमें एक और थोड़ा सा ऊपर इसमें ये घी वगैरह इसमें डालेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी इसमें डाल दी। बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीका है, टाइम इसका 60 मिनट ही लगेंगे, चाहे जो भी आप तरीका इस्तेमाल करें। और ये बिल्कुल एक मुनफरद सी रेसिपी है। तो अभी 2 गिलास इसमें और रहते हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद ढक्कन बंद कर देंगे, और 60 मिनट के बाद आपको पाए दिखाएंगे कि हमारे पाए कैसे रेडी हुए हैं। पाए हमारे हो रहे हैं 60 मिनट के लिए, हमने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। तो अब बाहर बारिश हो रही है, तो आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, और बादल घटाएँ बहुत प्यारी लग रही हैं। देखते हैं सुबह मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, सांस लेना दुश्वार हुआ था, इतनी गर्मी थी, इतनी घुटन, इतनी गर्मी। ये ईद का चौथा रोज है, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा करम किया है, तो हमेशा से करम करती है अपने मखलूक से, तो बेइंतहा शुक्राना है अल्लाह पाक की ज़ात का। उसने अपनी मखलूक की सुनी, और ठंडी ठंडी हवाएं और इतनी प्यारी प्यारी किताएँ भेजी, तो अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्राना अदा करते हैं। और ये देखते हैं हमारे पौधे भी जो हैं खूब जो है चहल पहल हो गई है पौधों में भी, ये भी छाए हुए थे,
तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र, होली बहुत ज़्यादा ठंडक भी होगी काफ़ी, लेकिन अब एक और नहीं तो पूछ शुरू हो गई है तो हमारे इलाके में जो बारिश वगैरह होती है तो गर्मियों में पानी बहुत खड़ा हो जाता है और गुजरना मुश्किल हो जाता है। और हमारा तो घर किसी गली में है जिस रोड पे है वो काफ़ी ऊँची है तो इस तरह बचत हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों का तो एक तो परेशानी होगी तो लोग जाने क्या करेंगे। तो अलग अलग खैर की बारिश खैर खैरियत की जो है ये बारिश खत्म है और सबसे मेला कर्म करें, आप सबको बहुत ज़्यादा कुछ ठीक होगी। हमारे भी पानी जो है ना दिन कहा अगर मैं बात कर जबरदस्त बन के तैयार हुई ये दाई नरम गुल के फिर इसका टेस्ट अच्छा लेने के लिए तो इसमें हम ये धनिया हाफ टी स्पून से थोड़ा सा डालना 1/3 टी स्पून और 1/2 टी स्पून इसमें गरम मसाला, इसमें जावित्री और जायफल का पाउडर भी शामिल है। तो अब हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे, मिक्स करके तो इस तरह पाई के ऊपर इस तरह फैला देंगे इस तरह, तो इससे बहुत ही अच्छा और मज़े का एक टेस्ट आएगा। यकीन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।